मामला रामपुर के स्वार थाना क्षेत्र का है, जहां हल्का इंचार्ज दरोगा शौकेंद्र कुमार को मुरादाबाद की एंटी करप्शन टीम ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल दरोगा पर आरोप है कि उसने दहेज उत्पीड़न और बलात्कार पीड़िता के बयान कोर्ट में दर्ज कराने के नाम पर 20,000 रुपए की मांग की थी, जिसके बाद पीड़ित के परिजनों ने एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया और टीम ने दरोगा को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद रशीद जिसका नाम है, उसकी बहन नसीम जहां का मुकदमा थाना स्वार में डाउरी एक्ट का धारा थी, उसमें 376 डी, 377, 313, 498 ए, आईपीसी 3/4, डीपीएक्ट का मुकदमा लिखा गया, जिसमें दरोगा जी शौकेंद्र कुमार इसकी तफ्तीश कर रहे थे। तफ्तीश में लड़की के, यानी कि लड़की जो नसीम जहां थी, उसके बयान कोर्ट में कराने होते हैं। उसके बयान कराने के लिए दरोगा जी ने पैसों की डिमांड की लड़की के भाई से, जो इस केस की पैरवी कर रहा है। वो 20,000 रुपए के देने के लिए आज की बात हुई थी। वो 20,000 रुपए रंगे हाथों लेते हुए हमने उसे ट्रैप किया, पकड़ा और उसके बाद यहाँ थाना सिविल लाइन्स में लेकर आए, क्योंकि स्वार में जहाँ हमने पकड़ा था वहाँ बहुत ज़्यादा रश था, मार्केट था, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो सकती थी, शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना थी, जिसके चलते हम उसे थाना सिविल लाइन्स लेकर आए हैं। यहाँ पर लीगल कार्रवाई शुभेंद्र कुमार के खिलाफ की जा रही है।